टीवी क्रिकेट पर बहुत बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट जगत से, जहां पर र्यूमर्स चल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे और बहुत सारी बातें की जा रही थी कि क्या हार्दिक और उनकी पत्नी के रास्ते अब अलग अलग होने वाले हैं, क्या दोनों का तलाक होने वाला है। तो ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है कि दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं, यानी कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक का तलाक हो चुका है। और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक साथ पोस्ट किया और इस चीज की जानकारी दी, ऑफिशियली एक नोट लिखा है और दोनों ने सेम टाइम पर वो नोट पोस्ट किया है और लगभग एक जैसा ही पोस्ट दोनों ने किया है। बहुत दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या दोनों अब अलग होने वाले हैं, क्योंकि नताशा जो हार्दिक की पत्नी थी उनको किसी और के साथ भी वो देखी गई थी, वहीं हार्दिक पांड्या के साथ भी लगातार ये अफवाहें आ रही थी, ये र्यूमर्स जिन्हें कहा जा रहा था कि हार्दिक और उनकी पत्नी का तलाक होने वाला है। और अब ये खबर कंफर्म हो गई है और हार्दिक और नताशा का तलाक जो है वो हो चुका है। दोनों ने क्या लिखा है ये नोट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं चाहता हूं आप जूम इन करके भी दिखाएं कि आखिर हार्दिक पांड्या ने क्या लिखा है इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने का, जो डाइवोर्स हुआ है, उनका तलाक हुआ है, उसमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या लिखा गया है वो यहां पे हम आपको बताने वाले हैं। और अब आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि क्या लिखा गया है। After 4 years of being together, Natasha and I have decided to mutually part ways. यानी कि 4 साल साथ बिताने के बाद नताशा और मैं अब फाइनली म्यूचुअली हमने डिसाइड किया एक साथ मिलकर कि अब हमारे रास्ते जो है वो अलग होने वाले हैं। वी ट्राइड आर बेस्ट टुगेदर एंड गेव इट आर ऑल, मतलब हमने दोनों ने मिलकर पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ दे दिया और हमें ये लगता है कि ये बेस्ट इंटरेस्ट में, यानी कि सबसे सही बात जो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया वो यही है कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। दिस वॉज अ टफ डिसीजन फॉर अस टू मेक, ये बहुत मुश्किल निर्णय था हमारे दोनों के लिए। गिवन द जॉय म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंपेनियनशिप वी इंजॉयड टुगेदर एंड एज वी ग्रू अ फैमिली, जैसे हमने जैसे जैसे फैमिली बनाई हमने उन पलों को इंजॉय भी किया। इसके बाद वो लिखते हैं वी आर ब्लेस्ड विद अगस्ते, ये उनके बेटे का नाम उन्होंने लिखा है कि हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, ब्लेस्ड मानते हैं कि हमारे साथ अगस्त्य है, हु विल कंटिन्यू टू बी एट द सेंटर ऑफ बोथ ऑफ आवर लाइव्स, यानी कि हमारे दोनों की जिंदगी में बराबर हमारा जो बेटा है वो साथ रहने वाला है, एंड वी विल को पेरेंट टू इंश्योर दैट वी गिव हिम एवरीथिंग दैट वी कैन फॉर हिज हैप्पीनेस, और हम दोनों मिलकर ये इंश्योर करेंगे, इसको श्योर करेंगे कि हम उसे वो सब कुछ दें और वो सारी खुशियां दें। वी सिंसियरली रिक्वेस्ट योर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टू गिव अस द प्राइवेसी ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट एंड सेंसिटिव टाइम, हार्दिक नताशा, इसके बाद उन दोनों ने यहां पर लिखा है। तो ये जो है ये पूरा नोट हार्दिक पांड्या ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और नताशा स्टैनकोविक जो उनकी पत्नी है उन्होंने भी यहां पर ये जो नोट है वो शेयर किया है इंस्टाग्राम पर और ऑफिशियली यहां पर अनाउंस किया है कि डाइवोर्स ले रहे हैं हम और हमारे दोनों के रास्ते यहां से अलग होने वाले हैं। और क्रिकेट जगत में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हार्दिक पांड्या ये वो नाम है जो सुर्खियों में रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या साइडलाइंस रहते हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस का उनका विवाद हुआ, मुंबई इंडियंस ने उन्हें कप्तान बनाया, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मुंबई में या दुनिया के किसी भी स्टेडियम में अगर हार्दिक पांड्या जा रहे थे, देश के किसी भी स्टेडियम में आईपीएल खेलने जा रहे थे, वहां पर हार्दिक पांड्या को बूइंग का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें लगातार बू किया जा रहा था, आलोचना की जा रही थी, रोहित रोहित के नारे लगाए जा रहे थे, और वहां से हार्दिक पांड्या ने अपने आप को संभाला। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से समय ने करवट ली और हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत को जितवाने में एक अहम भूमिका निभाई, उसके बाद हर तरफ वो जो आलोचनाएं थी वो बदल गई तारीफों में और वो बदल गई सराहनाओं में, और हार्दिक के नाम की गूंज मुंबई के उसी स्टेडियम में सुनाई भी दी थी जहां पर हार्दिक को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। और इसके बाद आज ही का ये दिन है जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या भविष्य के कप्तान है T20I के, हार्दिक पांड्या के हाथों में कप्तानी जा सकती है, लेकिन उन्हें कप्तानी तो छोड़िए उप कप्तानी भी नहीं दी गई और हार्दिक पांड्या उसके बाद दिन खत्म होते होते तक
इस तरीके की खबर आना हार्दिक पांड्या के लिए और उनकी पत्नी के लिए और सभी हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए भी काफी ज्यादा निराशाजनक ये खबर है, काफी ज्यादा दुख पहुंचाने वाली ये खबर है कि दोनों ये जो हार्दिक पांड्या और नताशा है अब इनके रास्ते अलग हो चुके हैं और ऑफिशियली यहाँ पर ये जो डाइवोर्स है वो हो चुका है। और ये जो र्यूमर्स जिनको हम बार बार कह रहे थे या कह रहे थे कि अफवाह है, लेकिन ये सभी अफवाहें नहीं थी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही थी, जो तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे थे, हार्दिक पांड्या चाहे अंबानी वेडिंग में गए थे, अंबानी की रिसेप्शन में गए थे, वहां पर भी अकेले देखे गए थे, या मतलब अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को लगातार छुपाते हुए वो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए ऐसा नोट लिखना, उनके लिए इमोशनल बातें लिखना, और उसके अलावा ये जो पूरा सफर रहा 4 साल की उनकी शादी, और उन्होंने इनफैक्ट दोबारा भी शादी या रिसेप्शन टाइप की एक चीज की थी, यानी कि एक बार पहले 4 साल पहले शादी हुई थी और अभी हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से ग्रैंड रिसेप्शन या यूं कहे कि ग्रैंड शादी एक बार फिर से नताशा से रचाई थी। लेकिन आखिरकार ये जो सफर था हार्दिक का अपनी पत्नी के साथ वो अब फाइनली समाप्त हो गया, ऑफिशियल हो गया ये, और हार्दिक पांड्या अब अलग हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैंकोविक का तलाक हो गया है और हार्दिक पांड्या टीम के उपकप्तान और कप्तान भी नहीं। तो बहुत सारी खबरें आज हार्दिक पांड्या से रिलेटेड आती हुई नजर आई थी। तो फिलहाल इस लाइव सेशन में बस इतना ही, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए इंडिया टीवी क्रिकेट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम लाइव आए या कोई भी न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाएं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।